और यूपी के फतेहपुर जिले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने NH2 से ढाबों के पास खड़े ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले गैंग के 6 सदस्यों को पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि ये लोग स्कॉर्पियो में सवार होकर ट्रकों से डीजल चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। पुलिस फोर्स ने अब आरोपियों की गाड़ी को घेराबंदी करते हुए पकड़ा है, तो गाड़ियों से 407 लीटर डीजल और 400 लीटर स्प्रिट भी और 8 देसी बम बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पकड़े गए गैंग के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। चोरी के गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो डीजल चोरी खड़े हुए ट्रक वाहनों से ये टंकी तोड़ करके और डीजल निकाल लेते थे और इसके बाद इसको बेचते थे। और ये बहुत ही शातिर गैंग है। इसमें शुभम पटेल नामक व्यक्ति है, ये पहले भी थाना औंग से जेल जा चुका है 2 बार और 3 बार गया है। बल्कि अतुल पटेल भी जेल जा चुका है। और ये लोग सामान देते थे, एक व्यक्ति है अनूप कुमार, जो शराब का भी, अवैध शराब का भी काम करता है। ये लोग इकट्ठा करके जंगल में इकट्ठा करते थे और फिर ये ट्रक ड्राइवरों को भी सस्ते में बेचते थे और इसको बुला के देते थे। बड़े बड़े ड्रम में इकट्ठा करते थे और वहाँ से अनूप भी उस समय आया हुआ था। वो अपना गाड़ी अपना लेके आने वाली, उसकी गाड़ी आने वाली थी, लेकिन तब तक हमारी दबिश पड़ गई तो फिर वो हाथ नहीं आई। इसके पास उस समय 400 लीटर इनसे, पूरे गैंग से 400 लीटर डीजल 10 पीपीओ में मिला है, 400 लीटर अवैध स्प्रिट भी मिला है, तेल निकालने की मशीन और ढेर सारा सामान इनसे बरामद हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMTNewsFlash।